सब मुझे ऐसा करता बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम, हम लोग यूपीएससी के रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल चालू करने वाले हैं। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग हमारा प्लान ऐसा है कि एक मंथ के अंदर आई विल बी कवरिंग द एनसीईआरटी, स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, थ्री ज्योग्राफी, क्योंकि यूपीएससी की जो तैयारी होती है उसमें बेसिक जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हम लोग कवर करवा देंगे आपको। और एनसीईआरटी में भी सारी एनसीईआरटी तो आपको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती नहीं है। जो मेन मेजर एनसीईआरटीज होती हैं वो 6 to 12 की हैं, बट 6 to 12 तो सारी एनसीईआरटीज हैं, बट उसमें भी मेजर मेजर होती है जो वो हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री, फिर आती है आपका जियोग्राफी, फिर आती है आपकी पॉलिटी, फिर आती है आपकी इकोनॉमी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे GS1 है, GS1 में होता है सोसाइटी के रिलेटेड है, इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसमें सोशोलॉजी और वो आ जाती है, तो वो सब सेकेंडरी थिंग है, बट मेजर पोर्शन आपका ये कवर करेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में जैसा देखा था हमने 2017 में हिस्ट्री में जो 7th के NCERT है उसके चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के डाल दिया था। सो इससे इम्पोर्टेंस पता चलती है। लेकिन अब इसमें कैसा होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी मैं हर एक कवर करूँगा। इकोनॉमी आपको जैसे पता है 9 to 12 की ही बुकें हैं इकोनॉमी की, और उसमें भी मोर रिलेवेंट जो है वो 12th की आप स्टार मार्क कर सकते हैं, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से। पॉलिटी में आपको पता है कि पॉलिटी 6 to 12 है, ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट 6 to 12 है, सिमिलरली हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी 6 to 12 की होती है। अब मेरा प्लान ऐसा है कि विद इन 1 month फेज, 1 month में मैं आप लोगों को 6th से लेके 8th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ा दूंगा। सो हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि एवरी डे मैं ऑलमोस्ट 3 वीडियो डालूंगा, 3 वीडियो एक हिस्ट्री पे, एक ज्योग्राफी पे, एक पॉलिटी पे। सो इससे क्या होगा, मेरा टारगेट ऐसा रहेगा, क्योंकि आई एम कवरिंग 3 क्लासेस, मंथ में होते हैं एक एवरेज पे 30 डेज, और डेली क्लासेस होने वाली है आप लोगों की। तो 30 डेज का मतलब हो रहा है 10 डेज फॉर वन सब्जेक्ट, 10 डेज फॉर वन क्लास, मतलब क्लास 6 10 डेज में, क्लास 7 10 डेज में, क्लास 8 10 डेज में। तो इस तरह से मैं आप लोगों का 6 to 8 तक का कवर कर दूंगा एक महीने के अंदर। सो स्टार्टिंग टुडे, आज जैसे कि फर्स्ट लेक्चर है, ये ओवरऑल व्यू था यूपीएससी वगैरह के बारे में। हम लोग धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में मैं बात करूँगा, फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कैसा है कि ये मोर प्रोबेबली, ये 6th स्टैंडर्ड की मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, प्लस जो स्टूडेंट अभी 6th में नए आए हैं तो उन लोगों को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ इस चीज़ में।